हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज इजी लर्निंग। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प करता है देन प्लीज लाइक माय वीडियो। और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको मेरे चैनल के वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। और उसके साथ आपको एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब के बटन के बगल में बेल का आइकन दिख रहा है, उस बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो बस इतना सा काम करना है आपको। चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई थी इस वीडियो की, इस वीडियो में आपको बताना क्या है कि हाउ टू लिंक अ स्लाइड ऑफ पावर पॉइंट टू अनदर स्लाइड यूजिंग हाइपरलिंक। मतलब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हो, उस प्रेजेंटेशन में आपके पास काफ़ी सारी स्लाइड्स हैं, आपको एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड से लिंक करना है। लिंक ऐसे करना है कि एक स्लाइड में आप किसी भी जो भी आपको लिंक बनाना है उस पर क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे उस वर्ड पर, उस लाइन पर जिस पर भी आप हाइपरलिंक बनाना चाहते हो, उस पर क्लिक करते ही जिस पेज पर चाहो आप ट्रांसफ़र करना, उस पेज पर ट्रांसफ़र हो जाओ, ठीक है। आपको सिंपल सा ये करना है, प्रेजेंटेशन की एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर ट्रांसफ़र करना है हाइपरलिंक का यूज़ करके। कैसे करते हैं, हाइपरलिंक क्या होता है, चलिए आप देखते हैं। इसमें आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रखी है, जिसमें सिंपल एक ही ये फर्स्ट स्लाइड है, ठीक है ना। इस प्रेजेंटेशन में अभी सिर्फ फर्स्ट स्लाइड मैंने ही बनाई है। इसमें सिंपल मैंने ये लिखा हुआ है कि हाउ टू लिंक अ स्लाइड ऑफ पावर पॉइंट टू अनदर स्लाइड यूजिंग हाइपरलिंक, ये इतना लिखा हुआ है, ठीक है। इसे आप यहाँ पर, ये यहाँ पर जो दिए होते हैं लास्ट में साइड में राइट कॉर्नर पे, इसमें यहाँ पर आप ले जाएंगे कर्सर, यहाँ पर स्लाइड शो का ऑप्शन होता है, इस पर आप क्लिक करते हो तो देखिए ये स्लाइड शो के उसमें आ गया, ठीक है ना, स्लाइड शो स्टार्ट हो गया। अब एस्केप का बटन आप प्रेस करो, एस्केप का कीबोर्ड में बटन होगा तो आप फिर से प्रेजेंटेशन में आओगे। अब हम क्या करते हैं कि हमें एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड से लिंक करना है, ठीक है। पहले मैं इस पावर पॉइंट में काफ़ी सारी स्लाइड्स ऐड कर लेती हूँ, तो यहाँ पर ऊपर जो होम का ऑप्शन है, इसमें जितने भी टूल्स दिए हुए हैं, यहाँ पर देखिए एक न्यू स्लाइड का ऑप्शन है, मैंने इस पर क्लिक किया, न्यू स्लाइड ऐड हो गई। फिर एक बार क्लिक किया, दूसरी हो गई, देखिए तीन बार क्लिक किया, मैंने तीन स्लाइड्स ऐड हो गई, ठीक है। तो इन तीन स्लाइड्स का यूज़ करके मुझे मैं बनाती हूँ। सबसे पहले हम सेकेंड स्लाइड पर जाते हैं, देखिए मैंने क्लिक किया, ये सेकेंड स्लाइड आ गई। इस सेकेंड स्लाइड पर मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ लिंक वन, मैंने सिंपल इतना टाइप किया है लिंक वन, ठीक है। उसके बाद क्या किया, सेकेंड पेज पे क्या किया मैंने, यहाँ पर इसको चलो बाद में करती हूँ, पहले मैं आपको सिर्फ फर्स्ट वाले का बताती हूँ। यहाँ पर क्या है, लिंक वन किया है मैंने, और ये फोर्थ पेज है, फोर्थ पेज पर मैंने यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देती हूँ। जैसे मुझे टाइप करना है हेलो, ठीक है, फोर्थ पेज मैंने हेलो टाइप किया। अब मैं क्या करूँगी, मैं इस सेकेंड वाली स्लाइड को फोर्थ वाली स्लाइड से लिंक करूँगी, ठीक है ना, इसको इससे लिंक करना है। तो इस पर क्लिक हो कहीं पर ही, तो यहाँ पर फोर्थ वाली पे आए, इसके लिए जो सेकंड साइड पे हम गए, ये लिंक वन है, इस वर्ड को मैं लिंक बनाती हूँ। जिसको भी लिंक बनाना होता है हाइपर लिंक, उसको हम पहले सेलेक्ट करते हैं, हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर होम पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, होम के बगल में ये इनसाइड का टैब है, इनसाइड के टैब पर आप जो क्लिक किया, ठीक है, इनसाइड पे गए तो सारी चीज़ें इनसाइड करने का ऑप्शन आ रहा है, देखिए टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, स्क्रीन शॉट, और यहाँ पर एक आ रहा होगा हाइपर लिंक, हाइपर लिंक पर आप क्लिक करो। जैसे ही आपने क्लिक किया, देखिए ये विंडो ओपन हो गई है आपकी इनसाइड हाइपर लिंक। इसमें आप पहले ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होके आ रहा है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, इस पर नहीं जाना है आपको, सेकेंड वाले पर जाना है। इस पर क्लिक, यहाँ पर लिखा होगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आप क्लिक करो, मतलब कि आप जिस डॉक्यूमेंट पर हो उसी पर ही आपको हाइपरलिंक बनाना है। लेकिन जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया प्लेस इन द डॉक्यूमेंट, तो ये ऑप्शन बता रहा है कि आपको ट्रांसफ़र कहाँ कराना है कंट्रोल, आप जा तो रहे हो फर्स्ट सेकेंड वाली से लिंक वन से, कहाँ पर कराना चाहते हो। देखिए मैं यहाँ पर फोर्थ में जहाँ हेलो लिखा है, यहाँ पर ट्रांसफ़र कराना चाहती हूँ कर्सर। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है स्लाइड फोर, स्लाइड वन टू करके, और या फिर फर्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड ऐसे आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, स्लाइड फोर पे क्लिक करते हैं, और देखिए स्लाइड प्रीव्यू भी दिखा रहे हैं। प्रीव्यू मतलब कि जब आप ट्रांसफ़र करोगे तो कैसा दिखेगा, जैसे ही आप स्लाइड फोर पर जाओगी तो यहाँ पर हेलो टाइप करके आए, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं, तो दिखा रहे हैं बस, यहाँ पर आप स्लाइड फोर क्लिक कर दो, तो आपको फोर पर ट्रांसफ़र करना है इसमें, और यहाँ पर ओके आ रहा है, इसमें क्लिक कर दो। अब देखिए ये
सब कलर चेंज हो गया है और ये क्या बन गया है, हाइपरलिंक। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस स्लाइड को स्लाइड्स को ऑन करके देख लेते हैं कि हमारा जो हमने काम किया है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये बताया था मैंने नीचे यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पर स्लाइड शो का ऑप्शन है, इसे मैंने क्लिक किया। देखिए अब ये जो पेज है सेकंड वन, इसमें लिंक वन पे अगर मैं क्लिक करती हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे मैं कर्सर भी ले जाऊँगी तो बाकी स्क्रीन पर कहीं भी कर्सर ले जा रही हूँ तो ये एरो की तरह दिख रहा है, पर जैसे ही मैं किसी हाइपर लिंक पर कर्सर ले जाऊँगी ये हाथ की शेप में आ जाएगा। आप देखिए अगर ये हाथ की शेप में आता है दैट मीन्स कि ये हाइपर लिंक बन गया। आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपर लिंक होता क्या है। अगर आपको लिंक करना है एक पेज को दूसरे पेज से और अगर आप हाइपर लिंक बना लेते हो उसको सक्सेसफुली, तो उस पर जैसे ही आप कर्सर ले जाओगे वो हाथ के शेप में आ जाएगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये चला जाएगा फोर्थ पेज पर जहाँ पर हेलो लिंक। चलिए मैं क्लिक करती हूँ, ये देखिए हेलो आ गया, ये फोर्थ पेज पर आ गया। वैसे मैंने लिंक वन पर क्लिक किया, ये हेलो पेज पर आ गया। अब हम एस्केप करके बाहर आते हैं, एस्केप प्रेस किया मैंने, हम वहाँ पर आ गए। ये तो सिंपल किसी भी टेक्स्ट को हमने हाइपरलिंक बना लिया। फॉर एग्जांपल हमें किसी इमेज को हाइपरलिंक बनाना है तो वो कैसे करेंगे। चलिए हम इसके लिए थर्ड पेज का यूज़ करते हैं। हमें थर्ड पेज पर किसी इमेज को हाइपरलिंक बनाना है तो हम कैसे करेंगे। टेक्स्ट को तो मैंने बता दिया कि टेक्स्ट को हाइपरलिंक कैसे बनाते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनसाइड पर जाते हैं, सॉरी सबसे पहले मैं आपको सेव में बताती हूँ, सेव इमेज नहीं सेव को बताती हूँ। ठीक है, तो इंसर्ट पे गया तो यहाँ पर सेव्स के ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए सेव्स का ऑप्शन है, मैंने इस पर क्लिक किया। कोई भी एक सेव मैं ले लूँ, ये सेव ले लेती हूँ मैं ओवल का सेव, ऐसे इस ओवल पे क्लिक किया और क्लिक करते ही मैं स्क्रीन पे जहाँ पर टच करूँगी वहीं पर ओवल आ जाएगा। देखिए ये ओवल बन गया, अब ये ओवल बन गया। इस ओवल को अगर मुझे हाइपरलिंक बनाना है ठीक है तो करना क्या, ये ऑलरेडी अभी सेलेक्टेड है ना, भी हो ऐसे अभी सेलेक्टेड नहीं तो आप इसको क्लिक करिए ये सेलेक्ट हो जाएगा। जिसको भी हाइपरलिंक बनाना है सेलेक्ट करना है, फिर से इंसर्ट पे गए, हाइपरलिंक पर गए, हाइपरलिंक टच किया, कहाँ पर आप प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट सेलेक्टेड है देखिए, ठीक है कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है, फिर से हेलो वाले पेज पर ही ट्रांसफ़र कराती हूँ। तो उसके लिए मुझे स्लाइड फोर्ड क्लिक किया और यहाँ पर ओके कर दिया। ठीक है, अब ये हाइपरलिंक बन गया है, पर ये वर्क कैसे करेगा ये हम स्लाइड शो में जाके देखते हैं। यहाँ पर स्लाइड शो है, क्लिक किया, ठीक है अब हम इस पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही हम इस पर कर्सर ले गए ये हाथ के शेप में बन गया, हाथ का सेट मतलब ये हाइपरलिंक बन चुका है, मैंने इसको क्लिक किया ये हेलो वाले पेज पर आ गया। ठीक है, अब मैं एस्केप प्रेस करती हूँ, बाहर आ गए। तो देखिए आपने सेट को भी हाइपरलिंक बना दिया। इसी तरह अगर कोई इमेज होगी तो इमेज को भी ऐसे ही आप सेलेक्ट करोगे, इंसर्ट हाइपरलिंक पर जाओगे और हाइपरलिंक बना लोगे। तो इसी तरह से आपको हाइपरलिंक बनाना है और जहाँ पर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो वहाँ पर आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। ऐसे ही आप अपने रिक्वेस्ट मुझे भेजते रहिए। अगर कंप्यूटर में आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का पर्टिकुलर डाउट है तो मैं आपके डाउट सॉल्व करूँगी और उसी पर वीडियो बनाकर अपडेट करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।